दोस्तों, क्या कभी आपने फुर्सत में बैठकर अपनी लाइफ को एनालाइज किया है, या फिर आपने ये चेक किया है कि आप अपनी लाइफ में कितना आगे आ चुके हो? कई लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो कुछ टाइम निकालकर ये सब चीज़ें सोचते ही नहीं, क्योंकि उनका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग में होता है। लेकिन आप अभी जिस पोजिशन पर हो या फिर आपकी लाइफ अभी जैसी भी है, अगर आप अपने आप को अपने 5 साल पहले वाले से कंपेयर करो तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपने अपनी लाइफ में अब तक किया क्या है। मतलब कि आप ये समझ पाओगे कि क्या सच में आपने खुद को ग्रो किया है, या फिर आप अब तक अपना टाइम बर्बाद करते आ रहे हो। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में पहले से बहुत ग्रो कर रहे हैं, कई एक्शंस ले रहे हैं, बट एक्चुअल में वो ग्रोथ आपकी ग्रोथ नहीं बल्कि आपकी टाइम की बर्बादी होती है। एंड इस इल्यूजन में हर 10 में से 8 लोग खुद को फंसा कर रखते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। बट एट द एंड ऑफ द डे, इच्छा तो हर इंसान की यही होती है कि वो एक कामयाबी भरी लाइफ जिए, वो कामयाबी जो सिर्फ उनको नहीं बल्कि बाकियों को भी दिखे। पर दोस्तों, ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप कंटिन्यूसली खुद को ग्रो करते हो, क्योंकि आज के टाइम में लगभग हर चीज़ बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो ऐसे में अगर आप टाइम के साथ साथ खुद को ग्रो नहीं करते हैं तो उस लेवल की सक्सेस पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जो आप खुद के लिए सोचते हो। सो अब अगर आपने अपना मन बना लिया है कि अभी आप जैसी भी लाइफ जी रहे हैं उसे और बेटर करेंगे, तो आगे के इस वीडियो में जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स के थ्रू आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा जिसे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को ग्रो कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, कमिट टू मास्टरी। ऑथर रॉबिन शर्मा का कहना है कि द ऑर्डिनरी आर पेड टू डू देयर वर्क बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर पेड टू मास्टर देयर क्राफ्ट। मतलब जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनको सिर्फ अपने काम के लिए पे किया जाता है, बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं उन्हें उनके मास्टरपीस के लिए पे किया जाता है, जो ऑब्वियसली एक ऑर्डिनरी काम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, आगे क्या होगा आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं और हमेशा ही इसमें बेस्ट रहेंगे, तो ट्रस्ट मी, आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने ऑर्डिनरी वर्क को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझकर बिल्कुल सेम काम करते रहते हैं, जिस वजह से एक टाइम ऐसा आता है जब उसे किसी और इंसान के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं कि याहू अपने टाइम का सबसे बेस्ट सर्च इंजन था एंड स्टार्टिंग से ही लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता आ रहा था, बट सिचुएशन यहाँ पर यह थी कि इसका जो इंटरफेस था वो शुरुआती टाइम से ही बहुत बेसिक सा चलता आ रहा था। लेकिन जब मार्केट में गूगल ने एंट्री ली तो लोगों को उसका एडवांस एंड ईजी इंटरफेस बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड कुछ ही टाइम में गूगल ने याहू को रिप्लेस कर दिया। और तब से लेकर अब तक गूगल अपने कस्टमर्स को इतनी अच्छी सर्विस देता आ रहा है कि गूगल को आज तक भी कोई दूसरा सर्च इंजन बीट नहीं कर पाया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उनकी मास्टरी, वो मास्टरी जो उन्होंने अपने काम में अचीव की है और जो वो अपनी सर्विस के थ्रू लोगों को देते हैं। सो सबसे पहला लेसन खुद को ग्रो करने के लिए यही है कि भले ही आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, उस काम को अपग्रेड करते रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अपने काम में मास्टरी अचीव करने की एक भूख होनी चाहिए। मास्टरी अचीव करने का मतलब होता है अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करके उसको लगातार इम्प्रूव करते जाना। लोग अपनी किसी जॉब को सिर्फ अपने पैसे कमाने का एक जरिया समझते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जॉब को सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम ना समझ करके उसे एक स्किल की तरह सीखते हो तो उस जॉब से आपके रिप्लेस हो जाने का कोई रीजन ही नहीं बनेगा। नंबर 2, नो योर वाई क्लियरली। कभी कभी हम अपनी लाइफ के ऐसे फेज में होते हैं जब किसी भी तरह का काम करने में हमको मजा ही नहीं आता, एंड वो काम हमारी मोटिवेशन नहीं हमारी मजबूरी बन जाती है। तो ऐसे में अगर आप खुद को इस सिचुएशन से निकालना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको अपना वाई क्लियर हो। आपको पता होना चाहिए कि अभी आप जिस भी काम को कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, एंड इस काम से आपके फ्यूचर का क्या कनेक्शन है। जब आपके पास खुद को ग्रो करने का एक बड़ा रीज़न होगा तो उस टाइम आप खुद को इम्प्रूव करने में अपने पूरे एफर्ट्स लगाओगे। नंबर 3, नो वेन टू से नो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नो ना बोल पाना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर दूसरा इंसान सफ़र कर रहा है, जिस वजह से वो चाहकर भी उन चीज़ों में फंस जाते हैं जिसको वो खुद भी पसंद नहीं करते। ये ना ना कह पाने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि लोगों को लगता है कि दूसरों से ना बोलने से वो उनकी नज़रों में बुरे बन जाएंगे, जबकि सच तो यह है कि दूसरों को ना बोलना आपको किसी भी सिचुएशन में बुरा नहीं बनाता, बल्कि सामने वाले को ये क्लियर कर देता है कि अभी आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हो। देखो, जब आप दूसरों को ना बोलना सीख जाते हो तो फिर आप अपने ऊपर ज़्यादा टाइम देते हो, जो आपकी सक्सेस और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा इंसान बनकर दूसरों की मुसीबत में हेल्प कर देना बहुत अच्छी चीज़ है, बट कभी कभी आपको अपने लिए दूसरों से ना भी बोलना ज़रूरी है, भले इससे उन्हें थोड़ा बहुत बुरा ही क्यों ना लग जाए।
इम्पॉर्टेंट ये है कि इस छोटी सी आदत को बदल लेने से आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा पाओगे। नंबर 4, इन्वेस्ट इन नॉलेज। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप अपनी ग्रोथ इमेजिन भी नहीं कर सकते। चाहे आप अपनी 20s में हों, 30s में हों या फिर 40s में हों, अगर आप लर्निंग में टाइम नहीं देते या फिर किसी तरह के नॉलेज कंज्यूम नहीं करते तो आप खुद को ग्रो होता हुआ कभी नहीं पाओगे। खासकर यंगस्टर्स की यही प्रॉब्लम होती है कि वह अपना ज़्यादा टाइम नॉलेज लेने में नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट पर खर्च करते हैं, जबकि नॉलेज एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिससे आपको हमेशा ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। जब आप अपना पैसा, टाइम और एनर्जी कोई स्पेशल नॉलेज को कंज्यूम करने में देते हो तो आप ऑटोमेटिकली लगभग 80% लोगों की भीड़ से अलग हो जाते हो। नंबर 5, ट्राई न्यू थिंग्स। चाहे आप अपनी पसंद की कोई जॉब कर रहे हो या फिर अपने पैशन पर ही क्यों ना काम कर रहे हो, पर एक टाइम ऐसा आता है जब धीरे धीरे आप उन चीज़ों से बोर होने लग जाते हो जो आपको बहुत पसंद आया करती थी। ऐसा मोस्टली हर किसी के साथ होता है, बट ये सिचुएशन कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि अब आप अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, कुछ ऐसा अपने काम में ऐड करें जिससे वो वापस से इंटरेस्टिंग बन जाए। बट दिक्कत यही है कि फेलियर के डर से लोग कभी नई चीज़ें ट्राई ही नहीं करना चाहते, क्योंकि इसको वो एक रिस्क मानते हैं कि इससे मेरा काम कहीं ज़्यादा ना बिगड़ जाए। सो अगर आप अभी अपनी लाइफ के ऐसे फेज में हैं जहां आप अपने काम से पूरी तरह ऊब चुके हैं, तो अब आपको कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जब आप डिफरेंट स्किल सीखते हैं या फिर खुद को नई चीज़ें करने का मौका देते हैं तो आपके पास फिर नई नई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी आने लग जाती हैं। जैसे मान लो आप एक पुराने सेल्समैन हो, तो यहाँ आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर या फिर फेसबुक एड सीखकर अपने काम को एक लेवल और ऊपर तक ले जा सकते हो। नंबर 6, डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। लोगों का अपनी लाइफ में अटके रहने का एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि उन लोगों की सोच काफ़ी नेगेटिव होती है। वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ बुरी चीज़ निकाल ही देते हैं और कुछ भी करने से पहले ये मानकर बैठ जाते हैं कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। एंड इस तरह का कम्फर्ट जोन उनको लाइफ टाइम ऐसे ही बांधे रखता है, जबकि पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट और आपकी थॉट प्रोसेस एक सही डायरेक्शन में हो। क्योंकि जब आपका माइंडसेट अच्छा होगा तो आप खुद वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे जिसके आप फेलियर से डरते आ रहे हो। सो इस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उसको सही से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में ग्रो कर पाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। एंड अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।